हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्रीड सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष सुरकोतदा से मिला था। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा हड़प्पा काल में मुद्राओं के लिए टेराकोटा का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता कांस युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता का घर ईंटों का बना हुआ था। हड़प्पा वासी कपास के उत्पादन में प्रथम थे। सिंधु घाटी का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने की थी। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता में माप तौल करने की प्रथा का पता लोथल से चलता है। हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता था। सिंधु घाटी के लोग मूर्ति के निर्माण करते थे, मंदिर के नहीं। हड़प्पा सभ्यता के खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की। हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति उचित सामंतवादी था। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित था। लोथल भोगवा नदी पर स्थित था। कालीबंगा घाघरा नदी पर स्थित था। हड़प्पा सभ्यता में कालीबंगा से जूते खेत का साक्ष्य मिला है। सैदव सभ्यता में कालीबंगा से ईंटों का अलंकरण मिला था। मोहनजोदड़ो सिंध में है। सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो से बेहद स्नानागार पाया गया है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में अध शिव का चित्रांकन मिलता है। लोथल गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता थी। सैदव स्थल से प्राप्त मोहरों से बैल का चित्रण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में अस्तित्व लोथल है। भारत में खोजे गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। भारत में चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलती है। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के उत्तरी सीमा जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान में है। मांडा चेनाब नदी पर स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ सतल नदी पर स्थित है। हड़प्पा में धौलावीरा में उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में मिट्टी बर्तन पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता अध ऐतिहासिक काल का सभ्यता है। रंगपुर सौराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खुदाई सर जॉन मार्शल के समय में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग
मातृशक्ति पर विश्वास करते थे। कोटद्वीज सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल समुद्र तट पर नहीं था। विशाल अननागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत बनी मानी जाती है। हड़प्पा कालीन रोग नगरों में घर का विन्यास ग्रिड पद्धति थी। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों पर गाय का अंकन नहीं किया गया था। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है। ग्रीक और यूनानी लोग सिंधु क्षेत्र में उत्पादित कपास को सिंदन के नाम से पुकारते थे। हड़प्पा कालीन मोहर सेल खड़ी से बना होता था। हड़प्पा कालीन लोग सोना चांदी टीन का आयात करते थे। सुतगोई सिंधु घाटी स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। लोथल सुतकंगडोर कुंतांसी अल्लाहदीनो बालकोट ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। हड़प्पा कालीन स्थल मोहनजोदड़ो से नृत्य बाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति हड़प्पा से मिली है। भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात से प्राप्त हुई है। जौ चावल गेहूं के उत्पादन हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा किया जाता था। पूर्व वैदिक युग या ऋग वैदिक संस्कृति का काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति काल 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। आर्य मुक्ता प्रारंभ में नगर में निवास करते थे। गेहूं जौ चावल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का था। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग सुलभ सूत्र था। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का क्रम वेद ब्राह्मण अरणायक उपनिषद है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद तीनों वेदों को संयुक्त रूप से तराई या वेद तराई कहा जाता था। सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद आर्यों का व्यवसाय पशुपालन था। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता मनु को माना जाता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया। पुराणों की संख्या 18 है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। सुलभ सूत्र ज्यामिति से संबंधित था। अस्तो मा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य सर्वप्रथम भारत में पंजाब में बसे थे। ऋग्वेद में यज्ञ कर्ता को होत्र कहा जाता था। यजुर्वेद में यज्ञकर्ता को अर्धवायु कहा जाता था। सामवेद में यज्ञकर्ता को उद्गाता कहा जाता था। वेदों को अपुरुषय कहा जाता है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादन उल्लूक कनद हैं। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक जैमिनी हैं।
मीमांसा या पूर्व मीमांसा? ऋग्वेद में के ऋग्वेद के नावे मंडल मंडल सोम को समर्पित है। 10 राग के युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर हुआ था। धर्म शास्त्रों में भू राजस्व का 1/6 भाग था। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ। धन्यवाद।